बैक टू योर ओन चैनल सिंपल लाइफ देसी वाइब्स। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने देखा ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने किचन साफ किया है, अभी कपड़े भी समेट ली हूँ, उसके बाद अभी घर पोछा लगाना है, झाड़ू करना है, तो ये सारे काम करने हैं मुझे। अभी बहुत लेट भी हो चुका है और आज है सोमवार, तो मुझे पूजा भी करना है, इसलिए मैं थोड़ा घर वर क्लीन कर रही हूँ। और वीकडेज में झाड़ू पोछा लगाना है, तो क्योंकि आज वीकडेज है तो आज मंडे भी है तो पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा में और वीकडेज में एक दिन ही लगाती हूँ, ज़्यादा हर रोज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि गंदे उतने होते नहीं हैं और यहाँ पे तो उतना गंदा भी नहीं होता, कोई लोग भी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ दिन भर घर पर, तो ये सारा काम करना है। और तो चलिए मैं काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ पूजा करने समय। तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी देखिए मैं बालकनी में धूप में खड़ी हूँ, थोड़ा सा बाल भी धोया था तो बाल भीगे हुए हैं तो धोई हूँ इसलिए सुखा रही हूँ, और ये कपड़े भी सूख रहे हैं इधर सब मैंने टांग दिए हैं, जूते भी आज साफ किए हैं, तो बहुत सारा काम आज किए हैं कुल मिला के। और मैंने लंच में आज फल सिर्फ खाया है, फास्टिंग की हूँ, बट ऐसे तो फास्टिंग में आप एक टाइम भी खा सकते हो या आप जैसे भी कर सकते हो, तो मैंने फास्टिंग में दोपहर में मैंने लंच में सिर्फ फल लिया है, और अभी शाम में फिर मैं पूजा करूँगी और फिर प्रसाद चढ़ाऊँगी, फिर मैं वो खाऊँगी। तो शिव पूजा के बहुत सारे नियम होते हैं, तो मैंने बस अपने तरह से जो मेरे से बन पा रहा मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ पूरा नियम से करने का, तो बस जो भी हो पा रहा मेरे से मैं वैसे करके कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे भगवान जी, यहाँ पे मैंने छोटा सा कॉर्नर में भगवान का मंदिर बनाया है, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ, थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ मूवी वगैरह देख रही थी, और अभी फिर मैं शाम में थोड़ी देर में मैं डिनर भी बना लूँगी और उसको भी प्रसाद चढ़ाऊँगी डिनर में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभी फिर से किचन में आ गई हूँ, सारा दिन मेरे को आप लोग किचन में ही देखते होंगे, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ किचन में ही रहती हूँ, क्योंकि एक तो फर्स्ट इसका कारण है कि किचन में बहुत अच्छा इसका लाइट आता है, खिड़की से लाइट मुझे अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइट काफ़ी अच्छा से आता है। और क्या करूँ, दिन भर जब कुछ काम होता है किचन में होता है, या साफ करो या खाना बनाओ या खाना खाओ, एवरीथिंग किचन में ही होता है। तो शाम हो गई है तो मैं जल्दी से, मैंने जैसा कहा था कि दोपहर में कि मैं शाम में डिनर जो बनाऊंगी वही मेरा प्रसाद रहेगा भगवान जी के लिए, शिव पूजा के लिए, तो मैं वही बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में। मैंने सारा कुछ काट वाट लिया है सब्जी वगैरह, तो मैं आज बनाऊंगी शिव जी को प्रसाद में चढ़ाने के लिए पूरी और कद्दू और छोले का सब्जी और दाल और खीर, जो कि मेन प्रसाद होगा खीर, तो ये सारा प्रसाद मैं अभी थोड़ी देर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग जाएगा बनाने में, और फिर सुमित भी आ जाएंगे और मैं थोड़ी सी बाहर फिर जाऊंगी, इसलिए मैं सोची कि पहले डिनर बना लेती हूँ फिर आके बाहर जाऊंगी, फिर आके पूजा करूंगी शाम में 7:30-8 बजे तक मैं पूजा भी कर लूँगी। तो देखिए मैंने सारा सब्जी वगैरह काट लिया है, ये है कद्दू, ये मैंने दाल भिगो के रखे थे, ये आलू, ये मैं राइस खीर बनाऊँगी उसके लिए राइस, ये घर का हमारा घर वाला राइस है जो मैं घर से लेके आई हूँ, यहाँ पे चने को भी भिगो लिया है, और मसाला तो आज मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस अदरक और मिर्ची और टमाटर, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो चलिए पहले बना लेते हैं फटाफट करके, पहले खीर बना लेती हूँ। तो अभी मैं खीर बनाऊँगी, सबसे पहले मैंने दूध को उबाल लिया, अभी उधर मैंने बर्तन भी चढ़ा दिए हैं, और ये मैं आज न्यू बर्तन में मीठा बना रही हूँ कुछ घर से लेके आई हूँ, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी खीर के लिए।
घी डालने से थोड़ा अच्छा महक और टेस्ट भी अच्छा होता है। थोड़े से इलायची, तेज पत्ता डाल दूंगी। दूध को थोड़ा उबाल लिया है, अब मैं इसमें राइस है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अब चाहे तो दूध में डायरेक्टली भी दे सकते हैं, बट इस तरह से घी में थोड़ा फ्राई कर लेने से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब चाहे तो ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, मैं ड्राई फ्रूट नहीं दे रही हूँ, मेरे पास अभी नहीं है ड्राई फ्रूट। बस इसको थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे और फिर इसमें दूध डाल लेंगे, इसको उबाल देंगे। और अभी मैं दूध डाल रही थी, बस इसको अब मैं पकाते रहूँगी, बीच बीच में चलाऊँगी। तो खीर बनाना सबसे इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस दूध में उबालते रहो और लास्ट में गुड़ मिला दो। तो अभी नेक्स्ट मैं कद्दू की सब्जी बना लूँगी। थोड़ा सा अदरक और थोड़ा पाँच फोरन और मिर्ची डाल के मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। आलू और चना फ्राई हो गया, मैंने लगभग 5 मिनट इसको मीडियम आंच में फ्राई किया। अभी मैं इसमें कद्दू डाल लूँगी और फिर मैं इसको कुछ देर और चलाऊँगी। थोड़ा सा नमक डाल लूँगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। इसको ढक के 5 मिनट्स थोड़ी देर पकाते हैं। अभी मैं इस खीर में शुगर डालूंगी, मीठा अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। और साथ में थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, ये खजूर का गुड़ जो कि मैं घर से लाई थी, तो अभी है, थोड़ा सा डाल दूंगी कलर और टेस्ट दोनों के लिए। खजूर गुड़ डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कलर तो बहुत मस्त वाला आता है, इसलिए वो भी थोड़ा डाल रही हूँ। मैंने तीनों तरफ सब कुछ चढ़ा दिया, इधर मेरा पम्पकिन बन रहा है, इधर मैं भी दाल चढ़ाऊंगी और यहाँ खीर भी ऑलमोस्ट पक गया है। खीर का कलर शायद कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ अगर आ जाए कैमरा में। तभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ, मैं सारा खाना घी से ही बना रही हूँ। और मैं यहाँ पर अदरक, थोड़ा जीरा, कसूरी मेथी, तो एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च, टमाटर, यही मेरा मसाला होगा दाल के लिए। कद्दू मेरा बन गया, थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला डाल लूँगी और थोड़ी सी अगर आप घी चाहो तो ऐड कर सकते हो। इसको ढक के मैं और 5 मिनट्स रख दूंगी ताकि घी का फ्लेवर पूरे सब्जी में आ जाए। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट, खीर उधर, पम्पकिन का सब्जी इधर, दाल, लास्ट में अब मैं पूरी बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग से मिलती हूँ पूरी बनाने के टाइम। I'm not afraid to die.
हेलो गाइस, तो मैंने पूजा कर ली। आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से पूजा किया, बहुत मन को खुश हुआ, अच्छा लगा। तो पूजा हो गई और आप देख सकते हो मेरे पास सुबह में शिव जी के फोटो नहीं थे और अभी शाम में फोटो है मेरे पास। एक्चुअली मेरे पास शिव जी के कोई फोटो भी नहीं थे और शिवलिंग भी नहीं थे, तो मैंने फिर सुमित को फोटो भेजा और बोला कि इसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आना। तो उसने लेके आया, कितना अच्छा लग रहा ना, शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी का फोटो। मैं तो फोटो देख के इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, बहुत बहुत अच्छा फोटो आया है। तो डिनर भी कर लिया है क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था पूजा करते करते, ऑलमोस्ट 9 8:30 बज गए थे। फिर 9 बजे डिनर किया, मैंने सोचा था थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि सारा प्रिपरेशन मैंने कर लिया था शाम में ही। सब्जी बन गई थी, सब कुछ मैंने जैसा दिखाया, बट पूरी बनाना था। बट सुमित आए, फिर हम लोग वॉक पे चले गए, फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग करने लगे तो थोड़ा वहाँ पे लेट हो गया। फिर आके बनाना, फिर पूजा करना, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सब हुआ और साथ में आज मैंने पूरी भी बनाई थी, और पूरी मैं आपको दिखाना भूल गई। मैंने आज ताल का पूरी बनाया, मम्मी ने इंडिया से भेजा था ताल, वो जो तार होता है ना उसका, आम आम स्लाइस स्लाइस करके जैसा होता है ना उसका भेजा था। फिर उसको मैंने गर्म पानी में बॉईल करके फिर उस पानी से आटा साना था, तो वो ताल का पूरी भी खाया हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और चलिए जल्दी से आप लोगों के साथ फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।